हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी बंद हुआ है 33,650 पे, लगभग 470 पॉइंट गेन के साथ 1.41% ऊपर बंद हुआ है ग्रीन में। यह हम मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस महीने के लिए नेगेटिव दिखा रहा है बैंक निफ्टी, लगभग 5.25%, लगभग 1860 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट महीने हमने 630 पॉइंट का लॉस देखा था और यह जो है तो दो अभी लगभग तीन बार इसने इसका 220 मंथ का जो एवरेज है उसको टेस्ट किया, उसके नीचे जो है तो नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट एवरेज का सपोर्ट 30,000 पे, उसके नीचे 24,600 पे सपोर्ट आता है। यह अभी बैंक निफ्टी पे यह आपको 200 मंथ का एवरेज अभी दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये फ्यूचर का कंटिन्यूस चार्ट है और उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो करंटली यहाँ ऐसा लगता है जिस तरह से बाउंस बैक आ रहा है, तो हमने 20 मंथ का जो एवरेज है उसके यहाँ अराउंड सपोर्ट लिया है और यहाँ से हम बाउंस बैक करेंगे शायद। अभी तक जो है तो इंडिकेटर नेगेटिव है, तो ये सिर्फ बाउंस बैक रहेगा। आपको ऊपर जो है तो फिर से 35,700 के अराउंड जो है तो फिर से बिकवाली आते हुए देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जो 100 वीक का जो एवरेज है वो ब्रीच किया था, मगर उसके वहाँ से जो है तो फिर से रिजेक्शन आया और यहाँ से सपोर्ट आ रहा है वहाँ, और ये शॉर्ट कवरिंग में बदल सकता है ऊपर की तरफ जो है। तो आपको मेजर एवरेजेस का रेजिस्टेंस जो है तो 35,500 के अराउंड है, तो करंट लेवल से आपको लगभग 1800 से 2000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। यहाँ डाउन साइड पर सपोर्ट जो है वो रहेगा लगभग 33,400 पे, तो उसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं डेली बेसिस पे तो आपको जो है तो 35,500 की लेवल आने वाले 1 से 2 हफ्तों में देखने को मिल सकता है। अगर उसके नीचे जाते हैं 33,400 के नीचे तो आपको 30,500 का लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहाँ बाउंस बैक की पूरी संभावना है और यहाँ मुझे जिस तरह से हम मार्केट रिकवर हो रहा है, आपको जो है तो ऊपर के लेवल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो वीकली चार्ट पे अभी तक ट्रेंड जो है तो वो करेक्टिव ही ट्रेंड है, मगर यहाँ उसमें एक जो है तो बाउंस बैक आ सकता है। तो अगले आने वाले हफ्ते 2 से 3 हफ्तों में आपको 35,500 के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो पूरे महीने के लिए जो अगले महीने का ऑप्शन है उसमें आप 35,500 पे पोजिशन बना सकते हो यह, मगर वो आपको स्टॉप लॉस के साथ बनानी होगी। तो आपको उसमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि करंट लेवल से वो ऑप्शन 2000 पॉइंट दूर है। तो एक एज अ हीरो और जीरो ट्रेड ले सकते हो वो भी मंथली ऑप्शन पे, क्योंकि अगर वो नीचे जाता है मार्केट और उसमें स्टॉप लॉस भी रख सकते हो 33,400 के नीचे, अगर डेली क्लोजिंग आती है तो उस ऑप्शन में से आप निकल भी जा सकते हो तो उतना लॉस नहीं होगा। या फिर अगर आपको डीपर स्टॉप लॉस रखना है तो इस ऑप्शन ये जो कैंडल है तो 32,400 का लो है, तो करंट लेवल से लगभग वो 800 पॉइंट नीचे आता है, 800 से 1000 पॉइंट नीचे आता है, तो वहाँ एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हो अगर आपको उस ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो वीकली चार्ट पे आपको एक रिकवरी रैली के अर्ली संकेत दिख रहे हैं जो जिसका टारगेट है 35,500, डाउन साइड पर सपोर्ट है 33,400 का। अगर वो सस्टेन नहीं होता है तो आपका 30,500 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 200 डेज का जो एवरेज था वह रेजिस्टेंस लेने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई। अब फिर से हम जो है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और जो सिचुएशन जो 200 डेज का एवरेज बैंक निफ्टी का वो है अराउंड 35,600, तो उस लेवल का आप एज अ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अभी यहाँ जो है तो आप जैसे हमने निफ्टी पे देखा हम मंथली लो के ऊपर जा चुके हैं, तो ये एक अच्छी खासी बुलिश सिग्नल रहता है। अगर हम पिछले महीने का जो लो है उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पूरी संभावना बनती है कि आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में आते हुए दिखेंगी। अभी नेक्स्ट वीक के लिए जो टारगेट है वो देखते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा 34,050 का, तो करंट लेवल से जो लगभग 400-450 पॉइंट ऊपर है तो वो टारगेट आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर जो है तो 34,700 करंट लेवल से जो टारगेट है वो 1100 पॉइंट दूर है, और उसके बाद में फाइनल टारगेट आएगा 35,600 जो करंट लेवल से 2000 पॉइंट दूर है। तो ये मल्टीपल टारगेट आपको नेक्स्ट वीक
या फिर 101 से 2 वीक के लिए आपको मिल सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट 34,050, उसके बाद में 34,700 और लास्ट में जो है 35,600, तो उस लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है। नीचे जो सपोर्ट है वो 33,000 का है, जो पिछले महीने का मंथली लो है वो एज अ सपोर्ट पकड़ के चलिए। उसके अराउंड आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको बिल्कुल लॉन्ग जाना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 300 पॉइंट रहेगा सिर्फ। टारगेट, पहला टारगेट 34,050, तो 33,000 से 34,050 आता है 1,050 पॉइंट, तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1000 पॉइंट का टारगेट, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, तो एक अच्छी लेवल आपको देखने को मिल सकती है अगर 33,000 पे आप बाइंग करते हो एक 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलरेडी हमारी पोजीशन है वही से बनाई हुई है और हमारा जो टारगेट है सेम टारगेट रहेंगे 34,050, उसके बाद में 34,700 और लास्ट में जो है 35,600 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। और ये व्यू सिर्फ अगले हफ्ते का ही नहीं है, यहाँ से कम 1-3 हफ्ते का व्यू है। यहाँ जो है तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन, और यहाँ से मार्केट जो है तो थोड़ा सा वायलेंट रहेगा, तो जो छोटे ट्रेडर हैं उन्हें सलाह रहेगी कि स्मॉलर लॉट साइज, कम पोजीशन बनाइए या फिर ऑप्शन के साथ भी आप इसको प्ले कर सकते हो। अभी यहाँ जो है तो आपको ऑप्शन में दोनों तरह के ऑप्शन आपको खेल सकते हो, आपको आउट ऑफ द मनी मंथली ऑप्शन जो है जुलाई का वो भी, या फिर इन द मनी 33,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको डिप्स पे एक्युमुलेट करना है। अगर मार्केट जो है 35,600 पे जाता है तो उस ऑप्शन में आपको लगभग 2x to 3x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको 33,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पे भी फोकस कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ अगर कंसोलिडेशन में जाता है मार्केट तो आप टाइम वैल्यू पे जो है तो लूज करोगे और लॉसेस में जाओगे। इन द मनी ऑप्शन में उतनी टाइम वैल्यू नहीं रहती है, वहाँ इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा रहती है, तो कंसोलिडेशन के फेज में भी आपको उतना लॉस नहीं होगा। इसीलिए मैं आई विल प्रीफर मोस्टली इन द मनी कॉल ऑप्शंस, जो आपको और उसका डेल्टा जो प्राइस के साथ बढ़ता रहता है तो आपको बाद में जो है तो उसके अच्छे खासे फ्यूचर के जैसे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपको सिर्फ ऑप्शन का प्रीमियम के पैसे भरने होते हैं, मगर जैसे उसका डेल्टा एक होता है तो उसके बाद में आपको फ्यूचर के जैसे उसमें गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ क्लियर कट व्यू बुलिश रहेगा, टारगेट ऊपर के साइड पे रहेंगे बैंक निफ्टी में। ऑप्शन में हम दोनों ऑप्शन प्ले कर सकते हो क्योंकि यहाँ पूरा महीना पड़ा है, तो आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी प्ले कर सकते हो, बट आई विल चूज 33,000 का कॉल ऑप्शन, उस पर हम डिप्स पे बाय कर सकते हैं। ये जुलाई सीरीज का मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों तरफ भी प्ले कर सकते हैं। आपको ओवरनाइट पोजिशन बनानी है तो आप जो है तो बिल्कुल आउट ऑफ द मनी जो कॉल ऑप्शन है उस पर जा सकते हो। अगर आपको पूरे महीने के लिए पोजीशन बनानी है तो आप 33,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर भी फोकस कर सकते हो। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपको श्योर शॉट इंडेक्स और इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन के कॉल मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।